आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एलोवेरा फेशियल। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक एलोवेरा फेशियल जो कि आपको देगा एकदम से इंस्टेंट ग्लो एक ही बार में, एंड जिसको आपको वीक में 2 times ट्राई करना है। तो इसे बनाना एकदम से ईजी होने वाला है, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होने वाला है। पहले तो मैं किसी दूसरे वीडियो के बारे में मतलब बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन क्योंकि मेरी एलर्जी हो गई थी मतलब पूरे फेस पे, नेक पे और इधर, तो एलर्जी की वजह से मैं कुछ एलोवेरा के क्यूब्स बना रही थी एलोवेरा जूस के। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना आज एलोवेरा फेशियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए एलोवेरा फेशियल लेकर के आई हूँ। तो पहले मेरे सर्वाइकल हो रहा था नेक में, तो मेरी नेक ऊपर नीचे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी मैं। बाद में मैं मेरी एलर्जी हो गई, तो फिर मैं वीडियो तो मैं उसी दिन बना रही थी। एक मेरी यूट्यूबर दी है गिन्नी दी, तो उन्होंने मुझसे कहा, मतलब मैंने सब आप लोगों से पूछा था कि आपको नेक्स्ट किसका वीडियो देखना है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप अलग अलग आई मेकअप लुक्स लाइए यूजिंग काजल, डिफरेंट आई मेकअप लुक्स यूजिंग काजल। तो मैं उसी का वीडियो बनाने वाली थी उसी दिन, लेकिन उसी दिन मेरी नेक सर्वाइकल हो गया, तो मैं फिर नहीं बना पाई। एंड देन मैंने बनाने का सोचा तो मेरी एलर्जी हो गई, तो मैं नहीं बना पाई। तो अब नेक्स्ट वीडियो आई होप मैं उसी का लेके आऊँगी पक्का से। सो आज का वीडियो तो है एक फेशियल का, तो ये वाला वीडियो आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज इसमें आप एकदम से लिस्ट इंग्रेडिएंट से, बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट से, एंड जो कि आपके होम में अवेलेबल होंगे एवरी टाइम। एंड तो चलिए फिर डिले क्यों करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड कलर वाले बटन पे, एंड बेल को भी दबा दीजिएगा। एंड पक्का से आपको वीडियो अच्छा लगने वाला है, तो पहले ही लाइक कर दो, बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे, पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको हमारा मेन इंग्रेडिएंट ले लेना है जो कि एलोवेरा, एंड देन बाद में एक धारीदार चाकू, अरे चाकू कोई सा भी ले सकते हो, जस्ट किडिंग, मतलब मारना थोड़ी है किसी को, चाकू ले लेना। एंड ये जेल आप देख पा रहे हो। इसके बाद में इसके साइड के जो भी थ्रोन कांटे हैं उन्हें निकाल देना है आपको, ठीक है, वरना हाथ में चुभ भी सकते हैं। सो इसके बाद में आपको इस तरीके से इसे बीच में से कट कर लेना है। एंड जो ये जेल आप देख ही पा रहे हो इसका, इसको आपको एक प्लेट में निकाल लेना है इस तरीके से, आप देख पा रहे हो जेल। और यार नेचुरल तो नेचुरल ही होता है, मतलब आर्टिफिशियल वाले से आप मत कीजिएगा मेरी माने तो। ये देखिए इसके अंदर मैंने इसको प्लेट के अंदर डाल लिया है, ये व्हाइट वाला जेल आप देख पा रहे हो, ये एलोवेरा है, ओके। एंड अगर ये ग्रीन वाले थोड़े बहुत आ जाए तो डोंट वरी यार, अपन इसको बस मिक्सर में पीसने ही वाले हैं। देखिए डाल लेते हैं मिक्सर में, एंड अब देखिए पीस करके, एंड मैंने इसको एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है, एंड एक मैंने बड़े से कांच के बाउल में डाला है। देखिए अब जो हमने काटा था ना, जिसमें से हमने एलोवेरा जेल निकाला था जो लीव्स, अरे यार आप कितना ही कर लो, मतलब ये थोड़े तो इसके अंदर है ना एलोवेरा रह ही जाने वाला है। तो आपको इसको अपने फेस पे मसाज कर लेनी है, या बोले तो क्लींज कर लेना है अपने फेस को, क्लींजिंग कर लेनी है अपने फेस की, ओके। तो अच्छे से अपनी फेस पर मसाज कीजिए इन दोनों लीव्स से, क्योंकि इनमें एलोवेरा रह ही जाता है थोड़ा, तो एलोवेरा से आप पहले मसाज कर लीजिए फेस पे। देखिए मैं एलर्जी हो रही है यहाँ पे, तो मतलब एलोवेरा ठंडक भी देता है, तो मैं अप्लाई इसीलिए कर रही हूँ, वरना तो एलर्जी में नहीं अप्लाई करना चाहिए था, बट मेरे को लगा ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तो मैं कर रही हूँ, और फिर ये एलोवेरा तो ठंडक ही देता है। तो 2 मिनट के लिए फेस पे छोड़ दीजिए, आप पहुँच भी सकते हो बाद में, और इसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैं तो इसी के ऊपर कर रही हूँ। देन हम सेकेंड स्टेप करेंगे जो कि है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए आप इसके अंदर जूस ऐड कर लेना, जूस आप 1 tablespoon ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे 1 tablespoon ऐड कर रही हूँ। एंड देन बाद में राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ, बिकॉज यू ऑल नो राइस फ्लावर कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करता है एज अ स्क्रब,
मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है राइस फ्लावर, एंड बाद में आपको मिक्स कर लेना। तो यार एलोवेरा की तो आपको बेनिफिट्स पता ही होंगे, एलोवेरा कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो आपको इन दोनों को मिक्स कर लेना है। एलोवेरा के बेनिफिट्स देखिए, एलोवेरा में एलोइन होता है और एलोइजिन होता है, जो जिनमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो कि हाइपर पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 2 मिनट के बाद देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये हमारा स्क्रब। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा, अच्छी सी कंसिस्टेंसी आई है, एंड कितना ज़्यादा अच्छा ये वर्क करेगा आप देख ही लेना। मतलब देखिए ये आपको हैंड में इस तरीके से लेना है, एंड अच्छे से अपनी पूरी फेस पर इवनली अप्लाई कर लेना है और स्क्रब करते जाना है। लाइट हाथों से स्क्रब कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप घिसने लग जाओ बर्तनों की तरह, तो मतलब आपका फेस एकदम से रेड हो सकता है। तो ब्लश लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप घिस लोगे तो, बट अपन को भाई ब्लश ही लगा लेंगे, अपन को तो ऐसे नहीं करना है। तो आपको हल्के हाथों से अपने फेस पर इसको स्क्रब करना है इससे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे मैं स्क्रब नहीं कर रही हूँ एलर्जी की वजह से, थोड़ा ऐसे ही लगा रही हूँ, स्क्रब नहीं कर रही हूँ, क्या पता भाई और ज़्यादा मतलब हो जाए। तो मैं इससे स्क्रब कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो। तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, तो आप देख पा रहे हो मैंने स्क्रब में सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स ही ऐड किए हैं। और देखिए 5 मिनट्स तक आपको इसे अपनी फेस पर स्क्रब करना है, और उसके बाद में अपन वॉश कर लेंगे अपनी फेस को, ओके। तो देखिए अब ये थोड़ा ड्राई हो गया है लाइक 2-3 मिनट्स बाद, तो मैं अब इसे वॉश करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने वॉश कर लिया अपने फेस को, एंड इसके बाद में आपको अपने फेस को ड्राई कर लेना, या फिर आपको अपने फेस को पोंछ लेना है। एक हैंडकरचीफ ले लीजिए, और यू कैन ऑल्सो यूज टॉल, टॉल की हेल्प से पोंछ लीजिए। तो मैं अपने फेस को पोंछ लिया है, आप देख पा रहे हो, एंड मेरा फेस देखिए अब थर्ड स्टेप करेंगे, बट मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई लग रहा है, क्योंकि स्क्रब ने पूरी इम्प्योरिटीज हमारी फेस की निकाल दी है। इसके बाद में अगेन आपको 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड करना है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा के जूस में आपको 1 टेबल स्पून ही हनी ऐड कर लेना है। यहाँ पर हम मसाजिंग क्रीम बनाने वाले हैं, तो आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगेन हम इसमें भी 2 ही इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, सो ये बहुत ज़्यादा ईजी है जैसे कि मैंने आपको कहा। सो देखिए इम्प्योरिटीज तो सारी निकाल दी है हमने स्क्रब से, अब हम मसाज करेंगे, ताकि हमारा जो स्क्रब की वजह से थोड़ा बहुत अगर आपकी कोई जलन हो गया, डैमेज हो गया हो, तो वो अपन रिपेयर भी कर लेंगे। और मसाजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फेस के लिए, आपको पता हो तो इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव होता है फेस का। एंड आप इसको फेस पर तो सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर लीजिए, एंड आप जब इसे मतलब आपको अंडर आईज और सब जगह अप्लाई करना है, और आपको जब आप नेक पर अप्लाई करो तो आप आराम से अप्लाई करें पूरी फेस पे एंड नेक पे, और नेक पे अप्लाई करो तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना। इससे क्या होता है कि जो रिंकल्स या एज वाले आ जाते हैं हमारी फेस पे, हमारे लिए मतलब किसी की फेस पे, तो उससे ये प्रॉब्लम दूर होती है, ओके। सो देखिए अब मैंने थोड़ी देर रख लिया है, अब मैं इसे वॉश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बट वॉश भी कर सकते हो। सो हमारी इसी मसाजिंग क्रीम के अंदर आपको ऐड कर लेने हैं 1 to 2 teaspoon ऑफ ग्राम फ्लोर बेसन, ओके। सो ये देखिए एकदम से ज़्यादा इजी हो गया, मतलब मसाजिंग क्रीम में आपको बस बेसन मिलाया और फेस पर एकदम प्रिपेयर हो गया। तो ये एकदम से ईजी हो गया ना, जब भी मैंने आपको कहा था एकदम फटाफट से और एकदम ईजी वाली फेशियल है, मतलब ऐसा फेशियल मैंने अपने चैनल पे कभी भी अपलोड नहीं किया है कि आप मसाजिंग क्रीम में ही ऐड कर लो एक इंग्रेडिएंट एंड आपका फेस से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी हो गया इसकी वजह से। तो आपको बस ग्राम फ्लोर को क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो लम्ब्स वगैरह आए हैं उन्हें रिमूव कर दो अच्छे से मिक्स करके। ग्राम फ्लोर तो वैसे ही स्किन को लाइट और ब्राइट बनाने में कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है आप सभी को पता है, ग्राम फ्लोर तो सभी यूज़ करते हैं और सभी के घर में अवेलेबल होता है एवरी टाइम। तो इसको आपको अपने फेस पर इवनली अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश ना हो तो क्या, ऊपर वाले ने हाथ दिए फिंगर दिए तो फिंगर से अप्लाई कर लो,
मेरे पास तो ब्रश है बट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो। सो ये आपको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। और एलोवेरा एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी ऑक्सीडेंट से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, और स्किन की कोई प्रॉब्लम्स है तो ऑलमोस्ट सब स्किन के सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, क्योर करता है सभी प्रॉब्लम्स को। और एलोवेरा अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दूं, शायद ये कमी लोगों को पता होगा कि एलोवेरा पिंपल्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पिंपल्स हो तो उन्हें क्योर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 10 मिनट्स बाद मैंने इसे वॉश किया, जब भी ड्राई हो गया, और इसके बाद में मैं एक टॉवल की हेल्प से इसको पैक ड्राई कर ले रही हूँ अपने फेस को। एंड आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेरे को मेरी स्किन मतलब पिंकी पिंकी और ग्लोई लग रही है, ब्राइट भी लग रही है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना एक बार ऐसे ग्लो के लिए, पिंकी पिंकी हो। आज का वीडियो, होप मैंने जैसे आपको कहा था वीडियो पक्का से अच्छा लगने वाला, लाइक करना भूल गए होंगे पक्का से वीडियो देख के, तो लाइक ज़रूर से कर दो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में कौन बताएगा, आप लोग तो कमेंट में जाकर के ज़रूर से बताना। एंड नेक्स्ट अगेन किसका वीडियो देखना है आप बता सकते हैं मेरे को कॉमेंट बॉक्स में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, क्योंकि ऐसे ही मैं रेमेडीज़ और मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह एंड आपके लिए हैक्स भी अब मैं लाऊँगी, तो मैं आपके लिए ये सब लाती रहती हूँ ऐसे ऑसम वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी फॉरगेट मत कीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड शेयर कौन करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर पक्का से कर देना, बिकॉज अब फेशियल वगैरह मतलब आपको पता है फेशियल इंस्टेंट रिजल्ट्स हो, वो भी होममेड फेशियल, बहुत ही अच्छी बात है, तो सभी के साथ शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलती हूँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपके साथ एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।